तो मिक्सड कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, कुछ कुछ सेल्स को हम लेंगे सीरीज में और फिर कई सारी सीरीज आपस में पैरेलल जोड़ देंगे। एक सेल ये ईएमएफ, इसका ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ऐसे ऐसे एन सेल्स आपने आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, एक सीरीज बनाई, फिर ऐसी ही एक सीरीज आपने और बना ली। हर एक सीरीज में नंबर ऑफ सेल्स आपके सेम है। और फिर ऐसी ऐसी आपने कई सारी सीरीज आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दी। ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन बैटरी कॉम्बिनेशन बन गया। फिर आपने इस कॉम्बिनेशन को क्या किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से आपने कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, बैटरी आपकी बन गई। तो मैं लिख नहीं रहा, चलो लिख ही देता हूँ। ईएमएफ ऑफ ईच सेल कितना है, कैपिटल ई। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स इन वन सीरीज कितने हैं, एन, ठीक है। तो आपका ईएमएफ ऑफ ईच सीरीज, एक सीरीज का ईएमएफ हुआ एनी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सीरीज हो गया एनआर। इनमें से हर एक सीरीज का, इस सीरीज का ईएमएफ ई एनी, इसका भी एनी, इसका भी एनी, इसका अपना रेजिस्टेंस एनआर एनआर एनआर, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीरीज इन पैरेलल, पैरेलल में कितनी सीरीज लगाई आपने, एम। अब जब पैरेलल में जितनी सीरीज लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इसका ईएमएफ तो बढ़ना नहीं, तो पूरी बैटरी का ईएमएफ भी उतना ही रहना है जितना ईएमएफ किसी एक सीरीज का होना है। तो पूरी बैटरी का ईएमएफ भी उतने रहना है, इसलिए अब आपका ईएमएफ बैटरी वही रहेगा जो एक सीरीज का ईएमएफ है एनी, ठीक है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कितना होगा, अब ये देखो ध्यान से, एनआर एनआर एनआर, ये आपस में जुड़ गए पैरेलली, और कितने टाइम जुड़ गए, एम टाइम जुड़ गए। तो जब आप सारा निकल कर लाएंगे तो निकल कर आएगा एन आर अपॉन एम, ठीक है। इसे करके देख लेना, एन आर प्लस एन आर प्लस एन आर, तो वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर एम टाइम्स, सब कुछ मिला करके ये बन जाएगा। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना बन गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना बन गया, कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस बन गया। अब आपकी करंट कितनी होगी, बोलिए करंट क्या बनेगा, नेट ईएमएफ अपॉन
टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ कितना है आपका एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या बनता है आर प्लस एन आर अपॉन एम। ये आपका हो गया टोटल नेट करंट। अब आप अपना रिक्वायर्ड करंट ले सकते हैं इस एन और एम को कंट्रोल करके। जितना ज्यादा आपको ईएमएफ चाहिए उतनी ज्यादा एन लगा दीजिए सीरीज में, जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस आपको चाहिए उतनी ही ज्यादा सीरीज अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा लीजिए।